Friend Rahul Sharma, and today we will work it out the basic problem of every literature student. The basic problem of every literature student, what is that? That how to satisfy the examiner. So ye examiner ko satisfy lene se kya matlab hai? What the hell is that? So it's all about to get maximum marks, and why really we need to work out to satisfy the examiner. What the basic need? Need hai yaar, definitely is need hai. When there is a problem, there is a solution, but we need to work out that things. This class is all about the people, those who are working for literature honors, that means the English honors, and those who are working hard to get good marks in MA English. It all be known as a master in English literature, or those who have been working very hard to get maximum marks in English language. आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में क्या चीजें क्लियर करेंगे, कौन कौन सी चीज आनी चाहिए, एंड हाउ कैन वी गेट द मैक्सिमम मार्क्स. दिस क्लास इज ऑल अबाउट दिस. आपने कहा सर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, समझ में भी आ गया क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज एक थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं. एंड दैट डिस्कशन मस्ट गोज विद यू एंड मी. दैट्स ट्रू, विद यू एंड मी. मैंने कहा आपसे डिस्कशन करूंगा, आप मुझे तो जवाब देंगे. अच्छा करते क्या है पेपर, पेपर कैसे वर्कआउट करते हो? पेपर करने से सिंपल सा तरीका है, हमने ट्वेल्थ में बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, हमने 95 स्कोर किया था, सर हमने इंग्लिश ऑनर्स ले ली. अच्छा इंग्लिश ऑनर्स लेने के बाद सर अब हमारा बेसिक एम था कि हम पेपर में नंबर लिख के आएंगे. सर हमने आंसर भी लिखा, आंसर पूरा आता था, हम लिख के आ गए. सर नंबर क्या है? नंबर आए सर 40%. व्हाट इज दिस 40%? या यू सेड 40%. सर मार्क्स तो आने चाहिए 80. टीचर सर पता नहीं क्या कर रहा था, पागल टीचर सर, इन्होंने नंबर नहीं दी. Do you check the way you write? You must check the way you write because you are literature student now. You're not a class 12 student who can write on English in his own version. You have to follow the strategy. Exactly, you have to follow the strategy. Strategy follow karni padti hai boss, marks lene do. You have to follow the strategy while you're in masters, while you're in graduation level. So, yahan pe hamare paas strategy hoti hai, usko kaise work out karenge? Kaun si cheezein? So this class is all about how to score good or what the examiner want from us. Examiner को हमारे answer से क्या चाहिए? उसको workout करना या वो बताना है. तो इससे पहले मैं examiner का point of view करूँ, पहले मैं आपका point of view करता हूँ. आप क्या करते हो? आप question पढ़ते हो, एक दिमाग में figure आती है और लिखना शुरू करते हो. Actually ये रहते हैं, हाँ हमने कहा sir. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस, जो आपके लिए जरूरी है. आपने कहा सर व्हाट इज मीन ऑफ फोकस? पहले क्वेश्चन पे फोकस करो, व्हाट द क्वेश्चन वांट फ्रॉम यू. डोंट बी प्री जजमेंटल कि यार ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, खत्म, कहानी मैं लिख दी. क्या करते हो आप? मैक्सिमम आंसर्स आप समरी लिख के आते हो, आप थॉरली पढ़ते क्या हो? आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हो, यार ये मिडिल पांच का क्वेश्चन आ रहा है, यार दिस इज फ्रॉम द हैमलेट, ओ नो दिस इज फ्रॉम प्राइम ब्रिटिश, नो नो इज फॉर इंक्लूजन, लिखो आंसर, थ्योरी के लिए खत्म. व्हाई टू राइट ऑन दिस समरी? समरी नहीं मांगी, ही वाज नॉट आस्किंग टू राइट ऑन समरी. उसने आपसे पूछा क्या, पहले वो क्लियर करो. व्हाट ही बीन आस्किंग टू यू, जो आपसे पूछ रहा आपको वो देना आंसर, अपनी मर्जी से कुछ ही मत लिखो. यू नीड टू स्टैंड ओवर देयर, यू हैव टू राइट द आंसर दैट वाज आस्क्ड यू, नॉट व्हाट यू लाइक टू गिव. प्रॉब्लम हमारे साथ यही ना, हम कुछ भी आंसर दिमाग में फ्रेम कर लेते हैं कि इसका आंसर तो ये लिखना है. पहले उस चैप्टर के उस वर्ड्स के क्वेश्चन को क्लियर करो. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है. यू नीड टू क्लियर द पर्टिकुलर वर्ड्स दैट वाज गिवन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो की वर्ड्स है ना उनको अंडरलाइन करो, उनको माइंड में वर्कआउट करो, फोकस करो कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है. डिफाइन इन योर माइंड, डिफाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड्स इन योर माइंड सो दैट यू कैन गिव द आंसर इन अ परफेक्ट मैनर. पहला तो हो गया हमारा सर ये. दूसरा क्या हो गया, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, आंसर द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड. नंबर टू, आंसर द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, नॉट व्हाट यू लाइक टू गिव. मेरे को तो पता है इसमें आया तो मैं तो ये लिख के आऊंगा, नहीं कि आप लोगों ने डेफिनेटली आपने यही होता है. इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो मैंने तो ये आंसर लिखना ही लिखना है. तो पहले तो फ्रेम जो करते हो, फ्रेम से बाहर आओ, फोकस करो क्वेश्चन क्या पूछा गया. पहले ये क्लियर हुई व्हाट वाज बीन आस्क्ड यू. You have to supply only that. Need not to supply anything that comes in your mind. कि कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी के नंबर भी कुछ भी होते हैं. नंबर टू, आपने कहा सर हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, सर हम आंसर लिख रहे हैं. अच्छा मैं आंसर लिख रहा हूं, राइट डाउन आंसर.
राइट नाउ आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन, आंसर देते हो मुझे हर मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना, आई नीड टू अंडरलाइन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दोज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई नीड टू वर्क देम, आई नीड टू अंडरलाइन देम, उन सारे क्वेश्चन में अंडरलाइन करूंगा, एम्फेसाइज करूंगा रीडर को कि वो मुझे पढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रीडर को एम्फेसाइज करना, उसको बोलना है भाई रीड दिस पॉइंट, मैंने इसको अंडरलाइन किया आप इसको पढ़ो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Then what's the difference between the master and a school level students? जो स्टूडेंट मास्टर्स कर रहा है उसको पता है प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए. पहले ध्यान रखना है आपका स्टार्ट और आपका एंड दोनों बहुत सॉलिड होंगे. You need to give that answer. And then आपको ध्यान रखना है कि आपको quotations use करनी है. Specially for graduation or I must say graduation means honors or master students. They need to give an answer with quotations. Quotations देनी है आपको. बहुत जरूरी है कोटेशन देना. कोटेशन से वर्कआउट होता है, कोटेशन से टीचर इंप्रेस होता है, आपको लगता है कि हाँ इसने टेस्ट पढ़ा है. नॉर्मली सब बच्चे क्या करते हैं, 90% बच्चे सिर्फ हेल्प बुक्स लेते हैं, उन हेल्प बुक्स को पढ़ के पेपर देके आते हैं, टेस्ट को तो गो थ्रू ही नहीं करते. जब टेस्ट को गो थ्रू नहीं करोगे आपको टेस्ट कहां से याद रहेगा. यू हैव टू गिव इट द प्रॉपर प्लेटफॉर्म कि दिस वॉज द टेस्ट, ही वॉज सेइंग समथिंग टू दैट गाय एंड द वर्ड्स दैट वाज बीइंग स्पोकन बाय, वो वहां लिखने हैं, वो जरूरी है. दैट मेक्स अ गुड इंप्रेशन. देन क्रिएट अ स्ट्रेटजी, गो विद अ सॉलिड एंडिंग, ऑलवेज गो विद अ सॉलिड एंडिंग. जितनी एंडिंग सॉलिड होगी उतना अच्छा इंप्रेशन आएगा. आप कैसे करते हो, उसके चेंजेस क्या आते हैं, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज don't write down every answer or don't write down the beginning of every answer like a same answer. Usually what happens with the student, वो ना एक strategy लेके चलते हैं कि answer ऐसे लिखना है, ऐसे शुरू करना है और end ऐसे करेंगे. यार क्या करो, what the hell you are doing man, can you eat every day a single thing, daily कुछ जो पसंद है वो खाओगे क्या. examiner जब answer पढ़ रहा है उसको लगेगा हर answer में यही कर रहे हैं यार, हर answer में एक ही चीज लिख देता है. He get irritated, and when he get irritated, you will not able to get good marks. Remember that is most important. You should not irritate the writer or the examiner. यहाँ ये point out करना जरूरी है. आपने कहा sir, हाँ उसको point out करना है, focus करना था, answer पे ध्यान देना है, हमें कुछ चीजें workout करनी है. And remember, always finish your answer with a quotation. अगर कोई कोटेशन दिमाग में है तो उसको सेव कर रखेंगे. क्या करेंगे, सेव कर रखेंगे एंड के लिए, क्यों एंड बहुत अच्छा चाहिए. तो अभी क्लास को जो मैंने अभी बताया कि आप कैसे एग्जाम को सेटिस्फाई करोगे, इसके पॉइंट क्लियर करते हैं. फर्स्ट आपके लिए जो जरूरी है फोकस करेंगे, सॉरी फोकस, देन राइट व्हाट इज आस्क्ड, नेक्स्ट अंडरलाइन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेक्स्ट फोकस, देन राइट व्हाट इज द आस्क, देन अंडरलाइन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है यूज कोटेशंस. Then what you need to work it out? Work maximum in your beginning and ending. And the last, give your best quote at the end. ये पांच पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, एक दो तीन चार पांच, वीजा ये पांच पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं अगर आप चाहते हो दैट यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स. और नोइंग द आर्ट टू सेटिस्फाई योर एग्जामिनर और grabbing the maximum marks in your literature, you need to work out these things. That is really very important.
एंड रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द आंसर यू नीड टू थिंक लाइक एन एग्जामिनर. अगर आप एग्जामिनर होते हैं तो आप कितने नंबर देते हो उस क्वेश्चन में. जब मैं एक रीचेक करते हैं पूरे पेपर को, हम देखते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया, आपने हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू चेक करना. यू विल गेट टू नो हाउ टू राइट द आंसर.